यहाँ पे हम लोग जब घर से लेके जाएंगे, देखिए इसका साइज़ भी जो फेसबुक का है इसका छोटा हो रहा है, ये देखिए। आज हम ये सीखने वाले हैं इसको कैसे बनाते हैं इस टाइप का सोशल मीडिया। यहाँ पे हम लोग ने एक फेसबुक डॉट एच टी एम एल का फाइल बनाया है, दूसरा स्टाइल डॉट सी एस एस का। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एच टी एम एल का कोड, यहाँ पे लिखेंगे सी एस एस का कोड, यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा रिफ्रेश करने। और ये हमारा दो फाइल है, यहाँ पे हम लोग कोड शुरू करते हैं। सबसे पहले एच टी एम एल लिखेंगे, एच टी एम एल टैग को क्लोज कर देंगे, हेड लिखेंगे, हेड टैग को क्लोज, इसके बाद टाइटल, टाइटल डाल देंगे हम लोग फेसबुक, टाइटल को क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। और हम लोग अब हेडर फाइल के वजह जो है हमारा हेड है, हेड के हम लोग सी एस एस का फाइल ज्वाइन करेंगे। तो हेड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिंक आर ई एल मतलब रिलेशन, स्टाइल सीट, इसके बाद लिख देंगे यहाँ पे एच रेफरेंस, उसको ज्वाइन करने के लिए आप लेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस, इसको बंद कर देंगे। अपने ब्राउजर पर जाएंगे, जो स्टाइल सीट ऐड करेंगे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी डी एन जे फॉन्ट लाइब ऑसम, पहले लिंक पे जाएंगे फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी, यहाँ पे जो 5.15 है इसको कॉपी करेंगे, ये पहला वाला लिंक इसमें लिखा है क्लाउड सी डी एन ए फॉन्ट ऑसम 5.5 ऑल इन मीन सी एस एस ए वाला फाइल रहेगा, इसको ही कॉपी करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए कॉपी लिंक टैग है, इसको कॉपी करेंगे, लेट्स यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब एच टी एम एल टैग के अंदर हम लोग डिव, एक डिव टैग लेंगे, इसके अंदर एक क्लास का यूज करके कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर क्लास का नाम कंटेनर डाल देंगे, डिव टैग को क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग फेसबुक को जो आइकॉन है, जो फेसबुक का जैसा आइकॉन दिखता है, उसको हम लोग लाएंगे विद द हेल्प ऑफ ये सी डी एन ए जो हम लोग ने बाहर का स्टाइल शीट हम लोग ने लाया है लिंक पे, इसको तो इसको यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई क्लास, हम लोग को क्या करना है फेसबुक, तो एफ ए बी स्पेस एफ ए डैश फेसबुक, इसकी टैग को क्लोज करेंगे, लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश इट, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारा ये आके। अब चलते हैं हम लोग इसको स्टाइल करते हैं, इधर स्टाइल शीट पे आएंगे, सबसे पहले हम लोग को इधर पैडिंग और मार्जिन हटा देंगे सबका, तो स्टार टैग का यूज करेंगे सेक्टर का, तो सबसे पहले पैडिंग मार्जिन रिफ्रेश करेंगे, देखिए अंडे रखें, लेट्स अब सब। अब चलते हैं बॉडी को डिजाइन करने के लिए, बॉडी का सबसे पहले हम लोग बॉडी का बैकग्राउंड कलर रखेंगे, तो लिखेंगे बैकग्राउंड, लिखेंगे
d8 e4 f2, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कलर, ये देखिए अब इसके बाद हम लोग पोजीशन डाल देंगे एब्सोल्यूट विड्थ हाइट 100%। इसके बाद डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैक्स डालेंगे। इसके बाद हम लोग डालेंगे इसका फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन हम लोग रखेंगे कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को, देखिए ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया। लेट्स अब हम लोग ये जो कंटेनर बनाया है इस टाइप को हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे, स्टाइल शीट डालेंगे तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, डॉट पेस्ट करेंगे। हम लोग को अगर कोई भी यहाँ पे जो क्लास दिए रहते हैं इसको यूज करने के लिए हम लोग को डॉट लगाना पड़ता है, और आईडी के लिए हम लोग को हैशटैग लगाना पड़ता है। लेट्स सबसे पहले कंटेनर का हम लोग विड्थ डालेंगे, विड्थ लेंगे इसका 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वही रखेंगे जो हम लोग ने बॉडी का लिया था, तो इसको कॉपी कर लेंगे, डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स अलाइनमेंट आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका बॉर्डर डाल देंगे। ओके यहाँ पे सेम कोलन बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, फॉन्ट साइज हंड्रेड पिक्सल। लेट्स आप रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अब इसका शैडो डाल देते हैं, बॉक्स शैडो माइनस टेन पिक्सल 15 पिक्सल RGB कलर कोड डाल देंगे हम लोग, टू फाइव फाइव 0.5 नहीं फायर डाल देते। लेट्स दूसरा बनाएंगे, 10 पिक्सल 15 पिक्सल RGB 0 0 0 0.7 रख देते, सेव करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये ज़्यादा डार्क हो गया, इसको हम लोग थोड़ा ब्लर करते हैं,
यहाँ पे F5 करिए, लेट्स रिफ्रेश इट। ये देखिए हमें क्या करना है, अब इस जो ये दिख रहा है इसका कलर चेंज होना चाहिए और इसकी साइज़ थोड़ी छोटी होनी चाहिए जब हम लोग कर्सर इस पे लेके जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हावर करने के लिए इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कोलन हावर लिखेंगे। लेट्स सबसे पहले हावर हम लोग ने लिखा, तो सबसे पहले हम लोग इसका कलर डालेंगे कि इसका कौन सा कलर चेंज होना चाहिए। इसका कलर डालेंगे सबसे पहले COLOR। तो इसको कलर चेक करने के लिए हम लोग नेट पे चल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक कोड कलर, यहाँ पे देखिए पहले पे आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे और चलेंगे अपने कोड पे, यहाँ पे पेस्ट। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हम लोग कर्सर लेके जा रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है। अब इसको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर सेम ही रहने दे, बॉक्स शैडो डाल देते हैं, बॉक्स शैडो यहाँ का जो ऊपर को बनाया इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के आगे पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे और देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने इंसर्ट नहीं लिखा था, इंसर्ट 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 मतलब अंदर का इसके इनोड हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया, हम लोग को इसको बढ़ाना पड़ेगा, 9 करते हैं, इसको भी 9। रिफ्रेश इट, देखिए ये हमारा फाइनली हो गया। ये ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो इसका कलर थोड़ा लो करते हैं, 4, इधर भी 4 कर देते हैं। रिफ्रेश इट, देखिए अब हमें ये जो ब्लैक फुल दिख रहा है इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, कंटेनर में जाके कलर RGB 0.5, सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। इसकी साइज नहीं छोटी हो रही है, इसको साइज हम लोग इसका छोटे करेंगे। तो यहाँ पे हावर पे जाएंगे, यहाँ पे जो हम लोग ने कंटेनर डॉट सेमी कॉलन हावर लिखा है, यहाँ पे फॉन्ट लिखेंगे, फॉन्ट साइज 95 पिक्सल, सेव इट एंड रिफ्रेक्स। ये देखिए अब इसका साइज भी छोटा होगा, जब भी हम लोग कर्सर लेके जाएंगे तो इसका साइज भी छोटा होगा, और हम लोग जब भी कर्सर लेके जाएंगे तो ये पॉइंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्सर पॉइंटर, रिफ्रेश, देखिए ये हमारा पॉइंटर हो गया कर्सर लेके जाते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ऐसे ही नए वीडियो आते रहेंगे ज़रूर। हमारा संडे को एक स्पेशल रहेगा कि हम लोग कुछ नया लाएंगे डेली, कृपया आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।